हेलो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपको स्पीडी को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करना है और इसमें काम की चीजें क्या है जो आपको पढ़ना है और कौन सी ऐसी चीजें जो पीएससी के अकॉर्डिंग आपके काम की चीजें हैं उसको आपको, जो काम की चीजें नहीं है उसको आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम पे भी मैंने स्पीडी पे एक वीडियो बनाया था लेकिन अभी सिलेबस चेंज हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीजें जो मैंने पहले बताई थी कि काम की नहीं है जो लास्ट ईयर मैंने बनाया था, अब थोड़ी वो चीजें आपके काम की हो सकती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि हो सकता हो कि इस वीडियो को बनाने में काफी लोग मेरी आलोचना भी करें कि सर स्पीडी पढ़ने का क्या तरीका होता है, ये कौन सी बात होती है। हालांकि लास्ट टाइम पे जब मैंने ये बात कही थी तो काफी बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि सर आपने बहुत सही तरीका बताया, इस तरीके से जल्दी जल्दी हमको चीजें खत्म करनी है। तो लगभग आधे घंटे के आसपास ये वीडियो रहेगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आपका बहुत सारा काम बच जाएगा। तो जिन लोगों के पास पहले से स्पीडी है वो चाहे तो स्पीडी निकाल के रख सकते हैं और पेज नंबर के हिसाब से चीजें देख सकते हैं, वरना मैं आपको यहां बताऊंगा। अब पहली बात तो यह है कि स्पीडी आप नई वाली लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये तो अप्रैल 2023 से 1 मार्च तक की है, अब तो थोड़ा सा और उसमें चीजें अपडेट हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो आपको ये यहां से कहानी चालू होती है कि शुरुआत के जो पेज है आप चाहे तो इनको निकाल के फाड़ भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल मिला के लगभग इस पेज में ये हमको 144 पेज के आसपास बता रहा है, 144 पेज के आसपास बता रहा है। तो आपको शुरुआती जो पेज है आपके पास में ये नवीनतम जो शब्द संक्षेप है या समसामयिक जो विविध वाला पार्ट है यहां तक की आपके काम का होता है तो लगभग 65 से 66 के आसपास जो आपके पेज आ रहा है, तो 66 पेज आपको पहली बात तो ये पढ़ना है। जो नीचे का करंट अफेयर प्रश्नोत्तर वगैरह संग्रह है वो आपके काम की नहीं है और ऑब्जेक्टिव भी आपको फालतू माता बच्चे नहीं करना है, तो बचे अब कितने 66 पेज। तो 66 पेज में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। हो सकता हो कि आप उसको अभी कुछ दिख नहीं रहा हो, आगे जब हम देखेंगे तो हमको दिखेगा। सबसे पहला पेज दोस्तों, ये जो पहला पेज दिख रहा है आप लोगों को करंट अफेयर्स में कौन क्या कहां वाला पेज दिख रहा है, तो इस करंट अफेयर में कौन क्या वाला कहां में दिख रहा है ना, तो जब आप देखेंगे तो संवैधानिक पदाधिकारी में जैसे यहां काला लगा हुआ है, ये यहां पर काला लगा हुआ है, न्यायमूर्ति में काला लगा हुआ है, जगदीश धनखड़ जी में काला लगा है, तो आपको क्या करना है कि इस पहले पेज पर जो सबसे पहली बात आपको देखना है कि इनमें सबसे पहले काला काला कहां लगा, किन किन जगहों पर आपको सर्कल देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले राउंड में आपको वो करना है कौन क्या कहां वाले में। अब इसमें क्या होता है, कई बच्चे या कई लोग हमको घबरा देते हैं पढ़ते समय कि सर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे हमको पता है फॉर एग्जांपल, तो कोई बोलता है 15वें नंबर का दे देगा, 14वें नंबर का दे देगा, तो उसमें क्या हम उलझते हैं जबरदस्ती बार-बार पढ़ के कि 15वें नंबर का 14वें नंबर का, जब ऑप्शन आते हैं एलिमिनेट करने के लिए तो उसको कर देते हैं, और ज्यादातर ऐसे प्रश्न वनडे एग्जाम में आते हैं तो ऐसे प्रश्नों का ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, कौन राष्ट्रपति है उतना भी याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा, और अगर आ भी जाता है तो एक बार पढ़ने से चीजें याद हो जाती है। अब इधर जो जैसे अर्धसैनिक बल वगैरह दे रखा है तो जो केवल काले हैं उन्हीं को याद करना, सारे को अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा पेज नंबर 5 पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे जरा हमारे पास में पेज नंबर 5 से कहानी हमारी एक्चुअल में चालू हो रही है, इसका मतलब यह है कि हमारी पेज नंबर 5 से चालू हो रही है, तो 66 में से 4 पेज तो वैसे ही चले गए तो 60 पेज बचे। अब हम लोग आ रहे हैं दोस्तों ये पेज नंबर 6 पर जो दे रखा हुआ है, इसमें पेज नंबर 6 पर भी प्रमुख पदाधिकारी वगैरह दे रखा है, इसमें दे रखा हुआ है कि जो हमारे पास सार्वजनिक उपक्रम है उनके प्रमुख दे रखे, तो ये आपको सार्वजनिक उपक्रम के प्रमुख वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ शिक्षण संस्थानों के प्रमुख वगैरह दे रखे तो ये भी आपको सभी नहीं पढ़ना, जो काले काले पढ़ना है वही पढ़ना है। फिर इसमें आगे जो हमारे पास में रखी हुई है महारत्न कंपनियां, तो आपको ये पता होना चाहिए कि महारत्न कंपनियां कितनी है, बस इसके अलावा आपको ये ज्यादा फालतू माता बच्ची नहीं करनी कि सारी की सारी महारत्न कंपनियों के आप सारे नाम याद रखें, ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आपको केवल वो व्यक्ति याद रखना जिस पे काला लगा हुआ है, वरना आप महारत्न के सारे याद करने लग जाओगे दिक्कत होगी, कल को पता पड़ा कि नवरत्न के याद रखने लग जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, बोले सर आ गया तो क्या करेंगे, आ गया तो छोड़ देना सीधी बात है ना। अब आते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। देखिए एक जमाना था जब हमारे सिलेबस में स्पोर्ट्स हुआ करता था, बट अब स्पोर्ट्स हटा दिया है तो आप इन पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में जब आप स्पोर्ट्स पढ़ेंगे तो पहली प्रायोरिटी रखिएगा कि यहां पर जो आपको काले काले दिखे उनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, बाद में सेकंड राउंड जब आए तो आप स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स सिलेबस से हटा दिया है तो उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये बीमा संस्थानों के जो प्रमुख होते हैं तो बीमा संस्थानों के प्रमुख आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे बस केवल काले काले याद रखना है। फिर आते हैं हमारे पास में जैसे यहां पर ये कुछ बीमा संस्थान वाणिज्य कमर्शियल वगैरह है, तो इनमें भी अपने को काले काले याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, क्योंकि इकोनॉमी हमारे सिलेबस में उतना ये वाला पार्ट नहीं दे रखा है। फिर ये बैंक के अधिकारी, तो सारे बैंक के अधिकारी नहीं याद रखना है, जो नए हो वो याद रखना है। अब इधर अपने पास दे रखा हुआ ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन दे रखा है जहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, ये नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना है। सर अगर
आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे आ गया तो छोड़ देना, क्योंकि निजी बैंक वैंक से अपने को मतलब नहीं है। हम सरकारी बैंक के दो चार जो करंट अफेयर के हैं वो बने, नए वाले वो याद रख ले, वही बहुत है। बाकी ये जरूर है कि नाबार्ड वगैरह जैसे हो जाए, सिडबी वगैरह हो जाए, जैसे यहाँ पर नाबार्ड और सिडबी और एक्सिम बैंक चार जो दे रखे, क्योंकि आरबीआई के साथ में मिलकर ये काम करने का काम करते, तो नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया और एक्सिम बैंक, इनको याद रखिए, बाकी किसी को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ आपको रक्षा उपकरण दे रखे, तो रक्षा उपकरण में हेलिना वगैरह किसने विकसित किया, क्या है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार जस्ट पढ़ के निकलना, बाकी माता बच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफेंस से उतने क्वेश्चन आते नहीं है, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता हमारे पास में अगला वाला जो ये वाला आपके काम का है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संस्थान और संगठन के प्रमुख है, ये सारे आपको घोटे हुए होने चाहिए। इसका मतलब ये, आप इस पे काला लगा हो नहीं लगा हो, सबको याद करना है, चाहे वो पुराना भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पीछे एक टेबल में बना के दे रखा है कि ये कब बना है, तो हो सके तो इनका जो स्थापना वर्ष है वो यहीं के यहीं आप क्या करें, यहीं के यहीं ऑब्लिक करके पेंसिल से लिख लें। तो ये इंटरनेशनल जो अपने पास ऑर्गेनाइजेशन है, इनके प्रमुखों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं अगले पेज पर जो हमारे पास आएगा, चर्चित महिलाओं वाला पेज। तो जो चर्चित महिलाएं हैं उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जितनी भी चर्चित महिलाएं आपको हैं वो राष्ट्रीय लेवल की हो चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल की हो, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी चर्चित महिलाएं उन सबको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां दे रखा हुआ साइड में कि भारत के राजदूत और उच्चायुक्त, तो इनमें से किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। G20 वगैरह के अगर याद रखना हो तो याद रख लीजिएगा, और सार्क वगैरह के कभी याद रखना हो तो ठीक है, वरना उच्चायुक्त आप याद करते मत बैठ जाइएगा, ये आपके काम का नहीं है। जो कमिश्नर वगैरह बनाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में वो आपके काम के नहीं है देश में। अगला है विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ जो दे रखा है, एप्पल के सीईओ कौन है, ये यहां के सीईओ कौन है, तो ये यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, और अगर आ भी जाए तो जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, तो दो चार आप देख लीजिएगा जो काम काम की, जैसे अपने पास में टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वहां से, वरना सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी हो तो आप एक निगाह मार के निकल सकते हैं, वरना इतना इसका लोड मत लीजिएगा। जैसे ट्विटर का नया बनाया गया है जो अपने पास में, इंस्टाग्राम का कोई बना दिया हो या इंफोसिस वगैरह के बना दिए हो, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका एक बार निगाह मार के, और अगर मान लो पढ़ना भी हो तो केवल जो नए बनाए हैं, जो काले बने हुए हैं उन्हीं को याद रख लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। अगला आता भारत का 75वां गणतंत्र दिवस, तो ये आपके बहुत काम का है। मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, तो कोशिश ये करना कि 2023 वाले अवार्ड याद रख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में जो डिक्शनरी द्वारा चर्चित वर्ड थे उसको याद रखना चाहे 2023 के, 21 के, 22 के, तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन यहां से आया है, बाकी एक बार पढ़ के ये भी निकलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। अगला हमारे पास आता है ये जो मिशन दे रखे इसरो के, 2022 से लेकर 24 तक के मिशन संभावित, इनको आप बहुत अच्छे से रटें, ये सारे के सारे आपके दिमाग में होना चाहिए, इवन हो सके तो डेट वगैरह भी याद रख लीजिएगा, नई वाली जो है 2024 वाली, और जो यान है जिससे छोड़ा गया था वो भी आप याद रख लीजिएगा। बाकी जो इसरो के आगामी मिशन है यहां दे रखा हुआ है वो भी आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट चीता वाली जो रिपोर्ट है वो भी आपको याद रखना है, बाघ जनगणना वाली जो रिपोर्ट है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे हम लोग बात करें तूफान चक्रवात, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात हमारे सिलेबस का पार्ट है। सर यहां तो पुराने भी दे रखे हुए हैं, हाँ सर पुराने भी याद रखना है, यहां पर चक्रवात जितने भी साइक्लोन आए हुए हैं ये वाला करंट अफेयर में, ये सारे आपको याद रखना है। वर्ल्ड के कुछ कंप्यूटर दे रखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये भी आपके काम का याद रखना है। अगली बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको दे रखी, ये तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपके बहुत काम की है फॉरेस्ट रिपोर्ट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। बात करें आगे, यहां पर अगर देखें हम, ये जो है अपने पास में कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व प्रथम, तो विश्व का तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल भारत भारत का याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे सिलेबस का पार्ट है, पर सब नहीं याद रखना, पहले गेहूं चना चावल वगैरह जो बड़ी बड़ी फसलें उसमें, फिर मिनरल के मामले में हम याद रखें, तो मिनरल आपको याद रख लेना है, मिनरल इसलिए याद रखना है क्योंकि खनिज हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो वहां से आपको याद रखना है, ये भी आपके काम का है, वर्ल्ड का मत याद रखिएगा। फिर जो हमारे पास प्रमुख शहर और उनके परिवर्तित नाम है, तो देखिए ये परिवर्तित नाम तो बहुत सारे नाम है, कितने नाम याद रखोगे, अगर आपको लगता है तो आप याद रखिएगा, अन्यथा मेरे हिसाब से जो है ये परिवर्तित नाम वाला क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा, लेकिन जैसे मान लो आप जब एक बार निगाह मार के निकलो, कभी मान लो आपका मन कर रहा है, तो जैसे मान लो यहां मिला मोटे अनाज, मिलेट सुपर फूड, तो इसको नाम दे दिया श्री अन्न, नाम दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि पुराना नाम मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड था और इस बार श्री अन्न दे दिया, और ये श्री अन्न हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो इसका मतलब ये हमारे काम का हो गया। तो ऐसे एक बार पढ़ के जब निकलो और आपको लगे कि नहीं यार ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट था तो काम का है, वरना उसको सारे को काट के जो है दो तीन अगर यहां से कुछ निकले नए नाम वगैरह कोई मध्य प्रदेश का निकल जाए नाम, तो उसको याद रख सकते, वरना सारे याद रखने की जरूरत नहीं है।
आगे बात करें इधर ब्रांड एम्बेसडर जो दे रखे हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर अपने को सबने याद रखना है जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पहल है, तो पिंकी को बनाएगा मिर्जापुर की। बाकी चुनाव आयोग का जैसे राष्ट्रीय आइकन बना दिया राजकुमार राव को, तो ये जैसे अब भारत पेट्रोलियम का बना दिया राहुल द्रविड़ को, तो अपने काम का नहीं है। लेकिन क्रिकेट आईसीआईसी वर्ल्ड कप जो 2023 है तो वो अपने काम का है, तो त्रिपुरा पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर तो वो हमारे काम का नहीं। तो ऐसे आपको यहां से दो एक फैक्ट मिलेंगे बस, तो ब्रांड एम्बेसडर भी सारे आपको याद नहीं रखना है। ठीक, आगे बढ़े। अब जैसे ये टीबी उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर, तो ये तो बढ़िया बात है भाई, हेल्थ हमारे सिलेबस का पार्ट दे रखा है, तो ऐसी चीजें आपको समझ में आए। अब बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर, तो उससे क्या ही मतलब निकलना है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं जो है योजना और अभियान संबंधित मंत्रालय की, तो देखिए जरा योजना और अभियान तो हमारे काम की नहीं है, कौन कौन से राज्य ने चला रखी है वो अपने को तो केवल अपने मध्यप्रदेश की याद रखनी है, मध्यप्रदेश की योजना याद रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये सब अपने काम का नहीं है, योजना अभियान वगैरह केवल मध्यप्रदेश का अपने को याद रखना है ना, ध्यान रखना। और अगर आपको कोई लगे इंडिया लेवल पर कोई गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो वो काम की है, वरना केवल आपको मध्यप्रदेश की, तो ये वाला जो है आपके बिल्कुल काम का नहीं है। अगला त्योहार और उत्सव, इसको मैंने लास्ट टाइम की स्पीड में मना किया था कि मत पढ़िएगा, इस बार हमारा जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है ना उस हिस्ट्री वाले सेक्शन में कला उत्सव और प्रारूप दे रखा है, तो कला उत्सव और प्रारूप उसने एक नया ही टॉपिक जोड़ दिया अलग से जो मेंस में हुआ करता था, इसको आप पढ़ के जाइएगा, इसको आपको फिर पढ़ना है। अब जैसे यहां पर जो है अट्टुल पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है, तो फिर ये वाला पूरा सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट टाइम पे जब मैंने स्पीडी का लिए ये वीडियो बनाया था जो कि काफी बच्चों ने सराहा भी था, तो ये इस बार आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इस बार आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगर अब बात कर लेते हैं जीआई टेक, तो जीआई टेक जो है आपको कोशिश ये करना है कि जीआई टेक ना ही पढ़े तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जीआई टेक जो आप एमपी के याद करेंगे उसने स्पेशली लिखा है कि आप एमपी का पढ़ के आइए, तो फिर मेरे हिसाब से जीआई टेक आपको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका मन कर रहा बहुत ज्यादा कि नहीं नहीं सर आ गया तो मैं क्या कर लूंगा, तो 2024 के 3-4-5 याद कर लेना बस, इससे ज्यादा जीआई टेक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके काम करिए। बात करते चर्चित व्यक्तियों के निधन, तो देखिए निधन से कहीं ना कहीं हर बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो जो चर्चित व्यक्ति इसमें सारे लोग भी वैसे भी अपने काम के नहीं है, तो चर्चित व्यक्तियों के जो जो निधन हुए हैं वो आप एक बार निगाह मार के निकलिए, आपके काम का है। चर्चित व्यक्ति जो है जो भी जिनकी डेथ हुई थी वो आपके काम का है। अगला है प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, हाँ तो नियुक्तियां सारी ही याद रखनी, नियुक्ति में कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है नेशनल लेवल पर हुआ है तो वो आपको याद रखना ही है, चर्चित नियुक्तियां वगैरह। अब आते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, तो इसको याद रखना नहीं है आपको, नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद ये आपका बिल्कुल काम का नहीं है, इसको मत याद रखना। सर आ गया तो क्या करेंगे, गलत कर देना आ गया तो, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। 16वें वित्त आयोग का गठन जो है ये आपके काम का है, 16वें वित्त आयोग का गठन, तो वित्त आयोग से पिछली बार क्वेश्चन आया था, जब भी वित्त आयोग का गठन किया जाता तो वो पुराने क्वेश्चन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो वित्त आयोग आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर आता हमारे पास विधानसभा के जो चुनाव हुए थे मध्यप्रदेश वाले और इसमें, और प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15-4 ये जो विशाखापट्टनम में हुआ था इसको भी आप याद रख लीजिएगा, पेज नंबर 17 का जो बॉक्स बना है। राज्यों की राजधानी राज्यपाल, अब इसमें क्या होता है बच्चे राजधानी ईयर वगैरह सब रट्टा मारने लग जाते हैं, क्या होता है जहां चुनाव हुए वहां के राज्य के राज्यपाल का नाम याद रखिए, वहां के मुख्यमंत्री का नाम याद रखिए, पुराने वाले राज्यपाल जो बहुत पहले मतलब बहुत पहले के मुख्यमंत्री बने राज्यपाल वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, है ना, काला काला जो है वो याद रख लीजिएगा। ठीक, भारत के हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हाईकोर्ट में जो नए वाले बने हैं अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश वगैरह उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें यह याद रखना है कि क्षेत्राधिकार कौन सा और कहां आता है बस। फिर आगे बात कर लेते हैं अगला अपने पास में, विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहां पर, तो जो विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहां पर है, तो यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हमारे पास में जो वर्तमान में बने जो काले काले हैं वही याद रखिएगा, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें 2-4 साल पुराने मत याद रखिएगा। भारत और विश्व में प्रथम, इस टेबल को भारत और विश्व में प्रथम को आप फर्स्ट राउंड में नहीं पढ़ेंगे, इस टेबल को आप सेकंड राउंड में आएंगे जब आपकी मेन काम की चीजें हो चुकी होगी तब इसको आप पढ़ने का काम करेंगे, उसके बाद ही आप इस कहानी को चालू करेंगे, है ना, ध्यान देना। अब इसमें क्या करेंगे, जब आप सेकंड राउंड में वापस से आएंगे तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, तो लेकिन जैसे आप इसको पढ़ने लगे और आपको लगे कि सर हमारे काम की कुछ चीजें यहां निकल के आ रही है कि भारत और विश्व में प्रथम जो आ रहा है, जैसे यहां से क्वेश्चन निकला समान नागरिकता संहिता कानून पास करने वाला जो पहला राज्य कौन बना, ओहो यूसीसी हमारे, चलिए माफी चाहता हूं दोस्तों, बीच में से पीछे से साउंड आ गया था तो उस वजह से रोकना पड़ा, तो यह बात आपको समझ में आई,
तो जैसे आप ऐसे पढ़ने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहां हुई, अरे ठीक है यार सौर ऊर्जा नाव की संचालित, अब नाव चलाएगा, कल को पूछ लेगा एरोप्लेन, कल को पूछ लेगा कुछ और, साइकिल बना देगा कोई, गाड़ी बना देगा कोई, तो ऐसे क्वेश्चन, अरे सर आ गया तो क्या करेंगे, आ गया तो गलत कर देना है। अगर इतना कॉन्फिडेंट लेवल अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है कि आ गया तो क्या करेंगे, 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 एक दिन आ जाएगा और यहाँ गले गले तक फैक्ट पढ़ पढ़ के हम लोग जो है उसको हजम ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या ही मतलब निकलना उसका। ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो समझ में आया ये बात के सेकंड राउंड में जाना है इसको अपने को, पहले वाले को। फिर आते हैं 2023-24 में प्रमुख समझौते जो हुए हैं, समझौते जो हुए हैं, इसमें आपको सारे समझौते नहीं याद रखना, इसको भी आपको सेकंड राउंड में पढ़ना है, फर्स्ट राउंड में अपने को इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड राउंड में पढ़ते समय ध्यान रखना है कि इसमें से 5-6 समझौते निकाल लेना है, सारे समझौते अपने काम के नहीं है, वो पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा, 5-6 समझौते निकालना और पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल ऐप पोर्टल, तो देखिए मोबाइल ऐप पोर्टल केवल हमारे एमपी का काम का है, इसके अलावा जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है, मतलब केंद्र सरकार का कोई आ रहा है या नीति आयोग का कोई आ रहा है या इंडिया लेवल पर जो हमारे पास कोई काम कर रहा है बहुत अच्छे लेवल पर, तो वो याद रखिएगा। आप गुजरात का, कर्नाटक का, केरला का ये मत याद करते बैठ जाना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह का। बात करते हैं आगे भारत रत्न 2024, तो ये तो पूरा आपके काम का, भारत रत्न 2024 इसका हर एक डाटा घोट के पी जाइए, पीवी नरसिम्हा राव चौधरी वगैरह जिन जिनको भी जो जो भी मिला हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसको भी फर्स्ट राउंड में मत पढ़िएगा, क्योंकि इसमें भी लगभग आपके पास में 30-40 जो है सैन्य अभ्यास मिलेंगे, उसमें आप पढ़ पढ़ के पागल हो जाएंगे, तो ज्यादा बेटर है कि इसको फर्स्ट राउंड में मत पढ़िएगा, और सेकंड राउंड में जब पढ़ें तो करंट अफेयर के तो जो 2024 वाले हुए हैं बस वही पढ़िएगा, पूरे मत पढ़िएगा। आगे बात करते हैं नवीनतम गठित जांच समितियां। अब जो नवीनतम गठित जांच समितियां है इसमें भी अपने को जांच समितियों को भी सेकंड राउंड में पढ़ना, फर्स्ट राउंड में नहीं पढ़ना है, और सेकंड राउंड में पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि शुरुआती 5-7 कमेटियां जो है जो अभी वर्तमान में बनी है उसको काम के याद रखना है, बाकी नई शिक्षा नीति जो है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा थोड़ा सा, फिर नारी शक्ति विधेयक इसको कर लीजिएगा, नीति आयोग के बारे में बात थोड़ा सा बेसिक दे रखा, गुड गवर्न जो जीएसटी उसका दे रखा, अंतरराष्ट्रीय संस्थान और संगठन वैसे तो सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर क्या है कि जो जीके स्टैटिक जीके टाइप की चीजें कई बार आ जाती है, तो इसमें कोशिश ये करिएगा G20 को याद रखना है, सार्क वगैरह को याद रख लेना अच्छे से, और जो अभी नए नए सम्मेलन हुए हैं उन नए सम्मेलनों को यहां पर इंक्लूड करते हुए जिन जिन में नए सदस्य जुड़े हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको फर्स्ट राउंड में अच्छे से पढ़ना और लगभग 5-6 बार इसको पढ़ना है, लगभग 5-6 बार इसको रिवाइज करना है। फिर अगर हम लोग बात करें आगे, अगले पे आते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, तो प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन भी आपके काम का है, लेकिन कोई स्पेशलाइज हो गया जो यूपी में ही होता है या कर्नाटक में ही होता है, जो बार बार यूपी कर्नाटक के लिए काम का, तो वो मत पढ़िएगा, वरना ये भी आपके काम का है नेशनल वाला। अब बात करते हैं 2024 के विभिन्न ऑपरेशन, अब 2024 के विभिन्न ऑपरेशन अपने को समझ में नहीं आएगा कि 2024 के कौन से, 23 के कौन से, तो अगर कोई बाहर सरकार के द्वारा कोई ऑपरेशन चलाया गया है जिसको लाने से सरकार को फायदा मिल रहा है, या जैसे अपने पास यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बुलाने के लिए काम किया गया था, उस जमाने का करंट अफेयर हुआ करता था, ऐसा अगर कोई मिले तो उसको आपको कर लेना है, और ये भी आपको सेकंड राउंड में करना है, ये फर्स्ट राउंड में मत करना। ठीक, भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट्स, तो देखो ये रिपोर्ट्स में अपने को ध्यान रखना है कि कहीं एमपी वेमपी का तो नाम नहीं आ रहा पहले, है ना, ये भारत सरकार की जो प्रमुख रिपोर्ट है इसमें स्वच्छता रिपोर्ट को करना है, और ऐसी रिपोर्ट देख लेना जिसमें एमपी वगैरह का नाम आ रहा है, और करंट की जो रिपोर्ट वगैरह एनर्जी वगैरह होगी अपने पास, जैसे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो ये आपके लिए काम का डाटा निकाल के लेके जाएगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, आगे विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, इसको मत करिएगा, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक को फर्स्ट राउंड में बिल्कुल मत करिएगा, इसको हो सके तो थर्ड राउंड में ले जाइएगा, थर्ड राउंड में जब पढ़े, और थर्ड राउंड में भी आपको 2024 वाली जैसे भ्रष्टाचार में कौन से मामले में है, एनर्जी के मामले में कौन से मामले में, भुखमरी के मामले में कौन से मामले में है, जहां पर एसडीजी वगैरह से रिलेटेड जो बातें आती है उसको आप पढ़िएगा, अन्यथा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसमें भी भारत का देख लेना और कौन जारी करता वो देखना। अंतरिम बजट, हां अंतरिम बजट आपको पढ़ना है, राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, कोई स्कीम वगैरह तो नहीं चला रखी गवर्नमेंट ने, वो सारी चीजें आपको अंतरिम बजट में देखना है ना, यहां से प्रश्न आने की संभावना हो सकती है, तो अंतरिम बजट तो आपको पढ़ना ही है। प्रमुख विकास परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं जो है इनमें आपको 2024 और 23 वाली पहले देखना है, उसके बाद फिर आपको देखना है कि बहुत ज्यादा जो काम किए उसके बाद में आना है विकास परियोजना। फिर उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं आगे केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, तो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें 2024 की पहले याद रखना है, वो जो स्ट्रेटेजी के भर पल्ले आती है बार बार जिन संभावना रहती है उनको आपको देखना है, तो पहले 2024 की उसके बाद में ये। ठीक, आगे बढ़े अगर, तो अगला हमारे पास जो आता है
केंद्रीय योजनाएं एक अभियान, तो एक नजर में देखना है तो 2024 की पहले देखना, बाकी सिर्फ बाद में देखना, ठीक है। राज्य सरकार की योजनाओं में, राज्य सरकार की योजनाओं में केवल एमपी की योजना देखना है, बाकी अपने को किसी और राज्य सरकार की योजना से कोई मतलब नहीं है, उसको पढ़ना ही मत। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास में है इसमें आर्थिक परिदृश्य जो देखें, तो आर्थिक परिदृश्य को भी आप सेकंड जो है सेकंड या थर्ड राउंड में ले जाइएगा, ये वाला जो चैप्टर है आर्थिक परिदृश्य, और इस आर्थिक परिदृश्य को पढ़ते समय लगभग लगभग 5 से 7 फैक्ट इसमें से पूरे पेज में से निकालिएगा, सारा आपके काम का नहीं है, मैक्सिमम 7-8 फैक्ट अगर मिल जाते तो मिल जाते हैं, तो वो आपके काम का, ये ध्यान रखना। बाकी अगर हम लोग इकोनॉमिकल सर्वे का डाटा देखें या हमारे पास भारत की जीडीपी की ग्रोथ वगैरह देखें, तो ये वाला जो टेबल दे रखा है यहाँ साइड में, ये आपके काम का है, पेज नंबर जो है आपके पास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये वाले को भी आप सेकंड या थर्ड राउंड में लेके जाइए, और जैसे ही सेकंड या थर्ड राउंड में जाते हैं तो इसमें भी 3-4-5 फैक्ट निकलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आगे आता है रक्षा और अंतरिक्ष परिदृश्य, इसमें भी आपको सेकंड या थर्ड राउंड में जाना है, और इसमें से भी 5-6 फैक्ट निकालना है, बस इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना है। अगला आता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसको भी सेकंड थर्ड राउंड में लेके जाना है, उसके बाद इसमें से 5-6 फैक्ट निकालना है, ठीक। अगला आता पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसमें भी आपको जो है सेकंड थर्ड राउंड में जाना है, और आपको 5-6 फैक्ट निकाल लेना, ज्यादा करने नहीं। खेल पुरस्कार, भैया यहां अपने को फर्स्ट राउंड में करना है, और इस खेल पुरस्कार से अपने को सारी चीजें अच्छे से कवर करते हुए चलना है, सारी चीजें अपने को याद रखना है, बिकॉज यहां पर खेल एक एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, और हालांकि अब स्टैटिक जीके खेल हटा दिया गया है, लेकिन अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई बात आती है तो वो आपके काम की हो जाती है, तो ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, और खेल में सभी चीजें करना है। करंट अफेयर में पुरस्कार और पदक जो हमारे पास में, ये अपने पास नोबेल प्राइज वगैरह, इनको तो सबको अच्छे से याद रखना ही है अपने को, शांति स्वरूप भटनागर है, बाफ्टा पुरस्कार वगैरह है, नोबेल प्राइज पुराने वाले हैं, वो सब याद रखना आपको, ठीक। बाकी ये सौंदर्य प्रतियोगिताओं में 24 और 23 का डाटा याद रखिएगा, इसमें 22-22 का कुछ डाटा मत याद रखिएगा। अब आते हैं जैसे इधर यहां पर साहित्य अकेडमी अवार्ड वगैरह, अब इसमें पता नहीं कौन सारी भाषाओं का साहित्य अकेडमी अवार्ड दे दिया, देखो जरा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप हिंदी का याद रख लें दोस्तों, और अंग्रेजी का याद रख लें, उर्दू नेपाली पंजाबी वगैरह का मत याद रखिएगा, क्योंकि इतनी सारी भाषाओं का याद रहेगा नहीं। फिर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो होते हैं वो आपके काम का होता है, बाकी जो ये अर्जी फर्जी टाइप के अवार्ड होते हैं, जो बिके हुए अवार्ड होते हैं, वो आपके काम के नहीं होते हैं। बाकी ये कांस फिल्म फेस्टिवल वगैरह एक बार पढ़ के निकलना है, ग्रेमी पुरस्कार एक बार पढ़ के निकलना है, रेमन मैक्सेस पुरस्कार एक बार पढ़ के निकलना है, ऑस्कर पुरस्कार भी एक बार पढ़ के निकल जाइएगा, क्योंकि ऑस्कर पीएससी का फेवरेट नहीं है, है ना। ये फिल्म फेयर वगैरह ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध बार पढ़ लो बस, है ना। आगे यहाँ पद्म पुरस्कार पे आते हैं, तो पद्म पुरस्कार बहुत अच्छे से अपने को पढ़ना है, क्योंकि पद्म पुरस्कार जो है उसका फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन होता है, ये ध्यान रखना है ना। बाकी इधर से बात करें अगर एमी अवार्ड, ये ग्रेमी अवार्ड और ये सब जो है ना एक एक बार पढ़ के निकलने वाले हैं। स्पोर्ट्स के जो अवार्ड होते हैं वो आपके बहुत काम के होते हैं, उसको पढ़ना, जो कि बीसीसीआई वगैरह देती है, वो सारे अवार्ड याद रखना है। फिर स्पोर्ट्स के मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स के बाद अच्छे से कर लेना जितने भी अवार्ड है। बाकी अन्य पुरस्कार में जैसे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान वगैरह है, बुकर पुरस्कार वगैरह, ये सारे आपके काम के हैं, ये वाला फैक्ट। तो अन्य पुरस्कारों की बात करें तो ये जो अन्य पुरस्कार की इतनी बड़ी टेबल दे रखी है, इसको फर्स्ट राउंड में मत करिएगा, ये जो आपके पास में पेज नंबर जो है स्पीडी का 51 के आसपास जो है पेज नंबर, ये आपके जहां पर पुरस्कार ढेर सारे दे रखे हैं, इसको फर्स्ट राउंड में मत करिएगा, ये आपके काम का नहीं है। करंट अफेयर का खेल परिदृश्य सुपर एक नंबर आपको करना ही है, ये वाला जो है अपने पास में भले ही सिलेबस में जो है स्टैटिक हटा दिया, लेकिन करंट अफेयर से तो पूछने के चांसेस है, तो स्पोर्ट्स का तो कोई भी सेक्शन आप मत छोड़िएगा, या आगामी खेल की जो टेबल दे रखी है इसको आप सेकंड थर्ड राउंड में जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे जबरदस्ती आप, ठीक है। ये भी स्पोर्ट्स का ही पार्ट है। हाँ, ये खिलाड़ी और खेल संबंधित, ये पेज आपके काम का नहीं है, कौन सा जो खिलाड़ी है किस राज्य से आता है, ये आपके काम का नहीं है। बाकी शुभंकर वगैरह तो आपको याद रखना ही रखना है, बाकी क्रिकेट वगैरह से संबंधित जो बातें रखी हुई है, और ये स्पोर्ट्स तो याद रखना ही है आपको, स्पोर्ट्स तो याद रखना। खेल परिदृश्य विविध में जो दे रखा है, ये विविध वाला जो खेल परिदृश्य दे रखा है, इसको आप मत पढ़िएगा, सेकंड थर्ड राउंड में कभी मौका मिले टाइम मिले तो उसको पढ़ डालिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर नवीनतम पुस्तकें, देखिए एक क्वेश्चन आएगा पुस्तकों से, और उसके लिए आपको 100 पुस्तकें याद रखनी है, तो आपसे याद रहेगी नहीं, इससे ज्यादा बेटर है कि हिस्ट्री की जो किताबें हैं जो उन्होंने दे रखा है कि हमको आर्ट एंड लिटरेचर आपको पढ़ के आना है, तो ज्यादा बेटर है कि वहां से पढ़ें, और एमपी की किताबें पढ़ें, क्योंकि एमपी की किताबों के आने की ज्यादा संभावना होती है। करंट अफेयर से 2016 के पहले किताबों से क्वेश्चन आते थे, सर अभी आ गया, तो देखिए एक निगाह मार के आप देख लें, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति मिल रहा है बहुत ज्यादा काम का, जैसे ट्विंकल खन्ना जो है वेलकम टू पैराडाइज, ऐसे जो काम काम के विवेक अग्निहोत्री हो गया जैसे, तो ये जो कुछ कुछ बेसिक लोग अपने को देखने को मिल रहे हैं वो भी
आपकी मर्जी, मैं तो इसको छोड़ के जाने वाला व्यक्ति हूं कि यार इतनी सारी 40-50 किताबें कौन ही याद रखेगा, है ना। करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस में कोई नया दिवस घोषित किया है तो याद रखिए, अन्यथा जो आप पहले से ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं लूसेंट से वही आपके काम आ जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, ये वाला चैप्टर भी आपके बिल्कुल काम का नहीं है। बहुत ज्यादा जो G20 वगैरह का कोई थीम आ रहा है, सार्क वगैरह का कोई थीम आ रहा है, वेटलैंड वगैरह का कोई थीम आ रहा है, और कोई एनीमिया वगैरह का जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो आपके काम का, वरना इतना ज्यादा आप थीम के चक्कर में मत उलझिएगा, ठीक। फिर सप्ताह वगैरह, महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और इसमें G20 के जितने भी दे रखे हैं, सार्क के जितने भी दे रखे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके कॉपी में लिख के बार 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 रट्टा मारिएगा कौन सा कहां हुआ है। फिर आते हैं हम लोग नवीनतम शब्द संक्षेप, फालतू का है माता बच्ची मत करिएगा, कभी भी जीवन में नवीनतम शब्द नहीं आया हुआ है और आ भी जाए तो गलत कर दीजिएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आ जाएगा तो गलत कर देंगे। करंट अफेयर समसामयिक की विविध, ये वाला जो पेज है विविध वाला, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा लास्ट वाला, इसमें जो भी विविध में डाटा दे रखा हुआ है सारा। अब ये आपका पेज खत्म हो जाता है 66, ठीक। अब मैंने आपको जो बातें बताई है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है, अब इसमें हो सकता हो कि जो मैंने बातें बताई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के MPPSC एक या दो क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो स्पीडी से जो भी क्वेश्चन आने हैं या जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो तो PSC ही जान सकता है, लेकिन मान लीजिए सपोज करिए मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है, और कभी वहां गलती से एक क्वेश्चन आ गया तो चिल्ला चोट मत मचाने लग जाना घर पे और सिर विरमट फोड़ लेना। उसके पीछे का कारण यह है कि आपको सुकून भी रहना है, मतलब सुकून लाना अपने जीवन में। 100 किताबें पढ़ के एक क्वेश्चन सही करने वाली जो बात है वो मूर्खता वाली बात है। क्यों मूर्खता वाली बात है? क्योंकि उसका मेंस में कोई औचित्य है नहीं, वो प्री केवल क्वालिफाइंग होती है। आपके दिमाग में कचरा ठूसा अगर जा रहा है बार 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 बार, या तो आपके द्वारा या आपके किसी कलीग के द्वारा या आप किसी कोचिंग के द्वारा या जहां भी आप पढ़ते हैं वहां से, तो इसका तात्पर्य सीधा है कि आपके दिमाग में बोझा बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप फिर मेंस के लिए जो है घबरा जाएंगे एकदम से, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा डाटा रहेगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। कम डाटा रहेगा, रिविजन ज्यादा होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो पाएंगी। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप चाहें तो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो जो है जैसा भी आपको लगे वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या वगैरह हो स्पीड से रिलेटेड, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मैं आपको दे देता हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि सर हमसे ये नहीं बन पड़ रहा, वो नहीं बन पड़ रहा है, तो ये ध्यान रखना है ना, ये नंबर है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए, बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।